नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बार बार उनको असफलता का सामना करना पड़ता है और कदम कदम पर उन्हें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में उनको लगता है कि हम ही को क्यों असफलता मिलती है, हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, असफलता और कठिनाइयाँ जीवन में होना स्वाभाविक है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे संघर्षी लोगों की जो कि संघर्ष के बलबूते दुनिया का वो मुकाम हासिल किया है जो कि लोग उनके सपने ही देखते हैं। कहते हैं ना कि भीड़ में तो दुनिया चलती है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है, पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज़ के कारण उनको रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था कि शायद तुम इस लायक नहीं हो, तब उस बंदे को बहुत बड़ी ठेस पहुंची और तब उस बंदे ने जिद पकड़ी और वो बंदा इस मुकाम को हासिल किया कि कुछ लोग उनके सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की, जो कि उनकी सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार कामयाबी को उनके जिद के सामने घुटने टेकना ही पड़ा। कहते हैं ना कि वक्त जरूर बदलता है, मगर वक्त पर ही बदलता है। और एक ऐसी ही जिद भरी कहानी दशरथ मांझी की है, जो कि अपनी पत्नी को समय से हॉस्पिटल न पहुंचा सके, क्योंकि उनके गांव से और हॉस्पिटल के बीच बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तब इस बंदे को गुस्सा आ गया, क्योंकि पत्नी से अथाह प्रेम होने के कारण उसने ये जिद ठानी कि यही पहाड़ मेरी पत्नी को खोने का कारण है, अब ये पहाड़ नहीं रहेगा। बंदे ने सिर्फ छेनी और हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब किसी को कोई भारी अपमान सहना पड़ता है या फिर किसी का कोई अपना खो जाने का गम होता है, तब ऐसे बंदे को रोकना नामुमकिन है। बस तुम न रुको, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। तुम दुनिया का वो हर काम कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, और यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है ना ही इन्हें रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, हजार बार फेल होगा, पर उसकी जिद और उसका पागलपन उसे और एक बार कोशिश करने पर मजबूर करेगा, जब तक सफलता उसके सामने घुटने न टेक दे। और यही जिद्दी इंसान एक दिन इतिहास बना देता है। तो दोस्तों, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि हार से डर जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिश में